हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज फिर से एक क्लैट के लिए एडिटोरियल बेस्ड क्विज है, जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड आया हुआ है इस समय। साथ ही हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वालिटी भी रिवाइज कर लेंगे, शेड्यूल्स वगैरह देख लेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल से लेकर के सारे डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी से, और उसके बेस्ड पे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाइडलाइंस जो इशू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो स्टेट को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर के, ये एक राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखते हैं कि राइटर क्या कह रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी तक क्या किया था, मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा था कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए। जो लॉकडाउन था 1.0, 2.0, 3.0, सब में इस तरीके से फॉलो कर रहा था, और सेंटर जो है वो गाइडलाइंस को इशू कर रही थी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। अब देखिए, ये पेंडेमिक जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेशन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वो बहुत ही ब्रॉड है, और उसके अंडर में इसको फाइनली बोला गया है कि ये डिजास्टर ही है, और उसी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी और इंस्ट्रक्शंस दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि हम आपको ये बता रहे हैं और आप इस चीज को फॉलो करवाइए और एनफोर्स करिए इसको। तो सेंटर ने जो किया वो डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इनको एनफोर्स करिए गाइडलाइंस को। तो विद द स्टेट्स ओनली बीइंग अलाउड टू इंक्रीज, और स्टेट को केवल बोला गया कि वो केवल इंक्रीज कर सकती हैं और डायल्यूट नहीं कर सकती इन रिस्ट्रिक्शंस को। तो राइटर कह रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जो एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया के, फिर और एक स्ट्रेन की तरह साबित हो सकता है ये। तो देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देता है राइटर दो, और कहता है कि पहले में क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस में उसने क्लासिफाई किया डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में, और इन अ बिड टू लिफ्ट लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इन एन एरिया स्पेसिफिक मैनर। अब राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि तीन जोन में डिवाइड कर दिया सेंटर ने डिस्ट्रिक्ट्स को, लेकिन स्टेट्स जो ऑब्जेक्ट करता है वो स्टेट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे कौन सा जोन रेड होना चाहिए, कौन सा ग्रीन होना चाहिए और कौन सा ऑरेंज होना चाहिए, ये चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे, ये चीजें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग को आइडिया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है और किस हिसाब से यहाँ पे काम को करना है। तो इससे स्टेट्स जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है सेंटर को, सेंटर से। तो इन्होंने दे पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो नीड टू कीप इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन होल्ड इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, यही मैंने आपको बताया कि जरूर पूरी डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, व्हेन द केसेस हैज बीन रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, जबकि केसेस जो है केवल एक स्मॉल पोर्शन से हम लोग को मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे पोर्शन को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि केरला जो है प्रोबेबली जानते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स टू कोविड-19। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भी जो रिफ्रेन किया और फ्रॉम रिलैक्सिंग रिस्ट्रिक्शंस कि आप रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो रिलैक्स नहीं करेंगे और आप ऐसे ही करेंगे, जबकि केरला ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते होंगे कर्व फ्लैटनिंग, कर्व फ्लैटनिंग क्या। देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए ये केसेस इधर से बढ़ना शुरू हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, शुरू हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जब केसेस देखिए कम होना शुरू होंगे, कम होना शुरू होंगे, तो देखिए कर्व देखिए फ्लैट होता जा रहा है, और इसी को देखिए फ्लैटनिंग ऑफ कर्व बोलते हैं। तो अभी इंडिया में भी केरला ने इसको अचीव किया है, इसको कर्व को फ्लैट करने में, और इंडिया में बाकी जगह में आप देखिए जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, फिर डिप हो रहा है, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे वेबसाइट पे। तो इसी कर्व को ये फ्लैट करने की बात करते हैं। उसके बाद ये कहता है राइटर, कहता है कि नियरली परफेक्ट रिकवरी रेट है बिल्कुल, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह, और ये केरला जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है चीजों को। फिर कह रहा है, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रस्ट द विजडम एंड जजमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो जजमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की इस मैटर में। फिर ये जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है अपार्ट फ्रॉम लीडिंग टू अनडिजायरेबल आउटकम मे नॉट बी स्ट्रिक्टली लीगल। ठीक है,
फिर जो स्टडी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एज वेल एज रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस टू द स्टेट इज इटसेल्फ. अब डायरेक्टर अभी तक कह रहे थे कि काउंटर प्रोडक्टिव कैसे है वो मैंने आपको बताया, अब ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है ये. अब ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसको देखते हैं. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा. देखिए फेडरल स्कीम में क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट करती है मैटर्स में जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, और ये लिस्ट वन बोलते हैं इसको. फिर स्टेट जो है वो लेजिस्लेट करती है मैटर्स में जो लिस्ट टू में दिए गए हैं, और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट. ये लिस्ट जो है इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही मैटर को अपने मतलब लॉज वगैरह बना सकते हैं, शेयर किया गया है. फिर एक ये है कि अगर लिस्ट टू और लिस्ट थ्री में अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है तो उसको रखा गया है रेसिडुअरी पावर में, उस पे अगर लॉज बनाने हैं तो आर्टिकल 248, ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 248 के अंडर में रेसिडुअरी पावर दिया हुआ है जिसमें कि पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है जो लिस्ट टू और लिस्ट थ्री में नहीं दिए हुए हैं. फिर लिखा है कि फर्दर मोर द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. एक ये केस है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करता है, और इसमें गॉडफ्रे फिलिप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के बारे में बताया है, ये केस का नाम है, और इसकी जो आउटकम है सुप्रीम कोर्ट वो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. अच्छा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लॉज हैं और वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये देखा जाता है कि कौन सा लॉज का लॉज जो बने हैं जब बनाए गए थे तो उसके हिसाब से क्या इंटेंट था लॉज का और क्या अप्रोच थी और किस हिसाब से चीजों को किया गया था, तो ये उसमें आ जाते हैं. ठीक है, ये होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की सारे कई सारे लॉज अगर ओवरलैप कर रहे हो तो जो बेटर होगा, जो लोगों के लिए इंटेंट लॉ का जो समय बनाते टाइम रहा होगा कि ऐसा ही होना चाहिए, उस हिसाब से होता है. फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये देख लिया आपने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देख लिया, कॉर्डफ्रे देख लिया, ठीक है आर्टिकल 248 ध्यान रखिएगा जो जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, स्टेट लिस्ट देख लिया आपने, यूनियन लिस्ट देख लिया आपने. ठीक है, फिर कह रहा है कि Finally, as per the Article 72 and 162, the executive power of central and state is coextensive with their respective legislative power. इसका मतलब ये हुआ जैसे आर्टिकल 73 में कि मैं जैसे मान लीजिए कि अगर ये लिस्ट वन में अगर पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो जो एग्जीक्यूटिव जो है ना, एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की होगी ना, वो उसमें डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 162 में लिखा हुआ है कि जो लिस्ट टू में जो पावर्स स्टेट में बना रही है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो पावर बना रही है उसके जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है वहां पे. ठीक है, तो ये को एक्सटेंसिव है इसलिए ऐसा बोला गया है. विच मीन्स दैट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली टेक एग्जीक्यूटिव एक्शन. ये देखिए यही लिखा हुआ है कि उसमें लॉ बना के केवल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकते हैं इन मैटर्स वेयर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली हैव पावर्स टू लेजिस्लेट. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एज अ फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन वो कहीं भी मेंशन नहीं है. मैंने आपको ये शुरुआत स्टार्टिंग में बताया ही था कि कहीं भी मेंशन नहीं है तो वो रेसिडुअरी में आ गया, और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसने उसमें एक्ट बना दिया. सो दिस वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज एक्ट इन 2005. फिर उसके बाद ये देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कुड ओनली हैव बीन एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स रेसिडुअरी पावर्स एंड लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 248. ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे बना. फिर उसके बाद कह रहा है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है अलाउ द सेंटर टू इशू गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन. सेंटर जो को अलाउ करता है ये एक्ट कि वो डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशू कर सके, और जो डेफिनेशन है डिजास्टर की वो बहुत वाइड है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था. फिर इसके बाद ये लिखा है कि बट ये पैंडेमिक को इंक्लूड कर सकता है, दिस इंक्लूड्स दिस पैंडेमिक व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन कोविड-19. फिर कह रहा है कि हाउएवर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कम अंडर व्हिच लिस्ट. तो ये आता है लिस्ट टू में जो कि स्टेट लिस्ट है, इसको याद रखिएगा. स्टेट हैव द एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट एंड एक्ट ऑन द मैटर ऑफ कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ. फिर
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोलता रहा है कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको वाला केस याद ही होगा 24 अप्रैल 1973 केस आनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैव बीन इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट अंडर इट्स रेस्टिट्यूटरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू पेंडेमिक्स। ये कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि ये पेंडेमिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए टू लेजिस्लेट ऑन पब्लिक हेल्थ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट्स का राइट है, तो उनको से होना चाहिए कि हम लोग को किस तरीके से चीजों को टैकल करना है और आप उनको गाइडलाइंस दे रहे हो, ऐसा आर्टिकल में बोल रहा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 29 ऑफ लिस्ट 3 बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट इज आर कॉम्पिटेंट टू लिस्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग। अब देखिए अंडर आर्टिकल अंडर एंट्री 29 लिस्ट 3 मतलब कंकरेंट लिस्ट, इट इज गिवन दैट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर are competent to legislate on matters involving interstate spread of contagious infectious disease. अब ये list 3 में ये interstate spread of contagious infectious disease के बारे में है, इसका मतलब कि इस पे जो law बना था वो law था Epidemic Disease Act 1897, ये law बना था। अब जो writer वो कह रहा है कि हम लोग को इसको invoke करना चाहिए था और states को जो है वो power देनी चाहिए थी कि आप अपने हिसाब से चीजों को बना सकें और मेंटेन कर सके, इसलिए राइटर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, बाकी शेड्यूल्स एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 1-4 का। ठीक है, शेड्यूल 2 में है सैलरीज अलाइंस और पेंशन, इसमें भी पार्ट है, पार्ट ए जो है वो है इमोलूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर का, पार्ट बी को रिपील कर दिया गया था, इसमें सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स थी, अब उसको रेगुलेट किया जाता है पार्लियामेंट के लॉ से। ठीक है, फिर पार्ट सी जो है उसमें है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनके बारे में दिया हुआ है उनकी सैलरी अलाउंस और पेंशन को, और पार्ट डी में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनका दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट ई में उसी में कैग है, कैग कैग वन ऑफ द वॉच डॉग है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है, और वॉच डॉग ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कैग को बोलते हैं, याद रखिएगा। वॉच डॉग ऑफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसको याद रखिएगा। वॉच डॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो है इलेक्शन कमीशन, और वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी है वो है यूपीएससी। फिर शेड्यूल 3 में जो है वो आता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन दोनों डिफरेंट टर्म है, ओथ जो है इन नेचर ऑफ गॉड होती है और affirmations जो होते हैं टू वंस ओन सेल्फ कंसाइंस अपने आप में होती है। ठीक है, सेल्फ कंसाइंस के लिए होती है। फिर शेड्यूल 4 में होता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा मैंने डिस्कस कर दिया था, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो जाके। फिर शेड्यूल 7 जो है अभी मैंने आपको पूरा पढ़ाया, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7 में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं और ओरिजिनली जो थी 14 लैंग्वेजेस थी, और ये याद रखिए कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई थी, और शेड्यूल 8 में इस समय 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल 9 में जो है वो लॉज है इम्यून फ्रॉम जुडिशरी। अच्छा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 मैंने अभी छोड़ रखा है, मैं अभी उसको भी लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसमें थोड़ा सा और बताना है मेरे को। तो शेड्यूल 9 में देखिए लॉ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू है। फिर शेड्यूल 10 में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर शेड्यूल 11 में पंचायत लिस्ट आती है और शेड्यूल 12 में आती है म्यूनिसिपैलिटीज। ये शेड्यूल सारे रिवाइज हो गए आपके, इसको याद रखिएगा। फिर ये देख लेते हैं, जो शेड्यूल 5 है इसको क्रिएट किया गया था ताकि ऑटोनॉमी दी जा सके शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में शेड्यूल एरियाज को। तो इसमें जो शेड्यूल 5 है उसमें 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक जो है इसका बेसिस है, इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्शन देता है गवर्नर को, और गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। ठीक है, देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को अपॉइंट करता है गवर्नर, और बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर कैन मेक regulations, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 6th शेड्यूल में ये 4 स्टेट है, इनको ध्यान रखिएगा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स आती हैं,
और ये इनको थोड़ा सा और ज्यादा पावर बस दिया गया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये लोग बना सकते हैं। उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट है और उसमें दो या दो से ज्यादा ट्राइब रह रहे हैं तो वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस रीजन भी बना सकते हैं वो लोग वहां पे, और अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अभी देखिए आप इसी में आपको सुना होगा, आपने ब्रू रीगन काल की क्राइसिस सुनी होगी जिसमें कि जो ब्रूस थे वो यही डिमांड कर रहे थे कि उनको ऑटोनोमस रीजन बनाने दिया जाए, और अभी 10-12 दिन पहले इसी को लेकर के गवर्नमेंट भी काम कर रही है उसके साथ। ठीक है, अभी ये देखिए 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था अलॉन्ग विद आर्टिकल 31 भी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म के लिए जा रही थी और पीपल जो है वो अभी भी एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू रिमूव अ फंडामेंटल राइट सो सून एज कॉन्स्टिट्यूशनल केम ओनली इन 1950। ठीक है, फिर आर्टिकल 31 बी का जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो 9th शेड्यूल में क्या है कि जब भी व्हेनेवर अ लॉ इज पुट इन इट इट इज बिलीव दैट इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि पीछे से, इवन इफ कोर्ट डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट लेटर प्लेसेस इट इन 9th शेड्यूल द जजमेंट ऑफ कोर्ट वुड बी इनवैलिड। फिर उसके बाद 1961 में चीजें बदली और केशवानंद भारती केस आया जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस आया था, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आया था, और फिर ओनली लॉज आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कैन बी चैलेंज। फिर ये केस आया था IR कोयलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इसमें था कि इफ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज इन 9th शेड्यूल उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट इफ चैलेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, अब ये देखिए गवर्नमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर कर दिया तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इतना वाइड है कि लगभग ऑलमोस्ट सभी ओपन हो जाते हैं चीजें, और ये 9th शेड्यूल के लिए इन्होंने बोला कि चैलेंज कर सकते हैं, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जल्दी मैंने शेड्यूल्स भी सारे रिवाइज कर लिए, और ये आप देखिएगा, इसको आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।